कल जब रात फीफा वर्ल्ड कप में हमारे देश की अभिनेत्री उस फीफा ट्रॉफी का कर्टन रेजर कर रही थी तो वाकई दिल जो है गदगद हो गया, हमारा हौसला जो है वो बढ़ गया। लेकिन इस देश में देखने में आया है पिछले दिनों कि रंग के को भी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशरम बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया, मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म ना देखे। और रंग के नाम पर जो है फिल्मों की को बैन करने की एक नई प्रथा शुरू हो गई है। तुम्हें सौगंध है पूरे भारत के लोगों को, तुम्हें शपथ है जो सनातन का विरोध करे चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। मैं सभापति महोदय, इस देश के कई कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाई है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये एक नया डिस्कोर्स इस देश में शुरू हो गया है कि सत्ता पक्ष के लोग जो है फिल्म बैन करने की मांग करते हैं। सेंसर बोर्ड काहे के लिए आपने बना रखा है, ये हुई ना बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, या मैं अभी एक बयान पढ़ रहा था एक कोई उलमा बोर्ड के जो है हजरत का, वो भी कह रहे कि साहब ये जो शाहरुख खान की फिल्म आई है दीपिका पादुकोण की, ये जो है बैन करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फिल्मों को बैन करने का काम जो है और देखिए साहब, आप तो मैं कहता हूँ उन लोगों को जो इसकी बैन कर दे। कई इस सदन के अंदर कई ऐसे कलाकार साथी हमारे सदस्य जिन्होंने भगवा रंग के साथ कलाकारी का अपना हुनर दिखाया। हाँ। यही चक्कर में तो कई चीज गड़बड़े हो गई, और शायद इसी हुनर को देखते हुए वो आज इस सदन के अंदर आए हैं। मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म कोई इतना कमजोर नहीं है कि एक कलर रंग का कपड़ा पहन के अगर कोई कलाकार एक्ट करता है धर्म संकट में आ जाएगा, या इस्लाम इतना कोई कमजोर धर्म नहीं है कि कोई फिल्म में एक सीन से कोई धर्म का जो है खतरे में आ जाएगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो जरा उपयोग करो, और इसलिए मैं कहूंगा टेप रिकॉर्ड की मत सुने हो, उनके टेप रिकॉर्ड की मत सुनो, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखो।